नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको खबर सुनाने जा रहा हूँ वो काफी सीरियस है, क्योंकि इस खबर ने तीन देशों में कोहराम मचा के रखा है। पहला है भारत, दूसरा है अमेरिका और तीसरा है ब्रिटेन, और तीनों ही देशों को इस खबर से बहुत ही बड़ा खतरा है। चलिए जानते हैं कि आखिर वो खबर क्या है। दरअसल दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले ब्रिटिश अखबारों में एक खबर निकल कर सामने आई कि चीन हिंद महासागर में कहीं पर एक रेडार बेस बनाने जा रहा है, और ये रेडार बेस चीन अमेरिका के एक सैन्य बेस डिएगो गार्सिया के आसपास बनाने जा रहा है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि डिएगो गार्सिया कहां पर मौजूद है, और ये सैन्य बेस अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अमेरिका यहां से ना ही सिर्फ हिंद महासागर बल्कि अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट साथ ही गल्फ देशों पर यहां से एक बड़ी सैन्य कार्यवाही कर सकता है। और इसीलिए इस डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन और अमेरिका के घातक हथियार हर समय रखे हुए होते हैं। और जैसे ही ये खबर सामने आई कि चीन इसके आस पास रेडार बेस बनाने जा रहा है, तभी से सभी देशों ने इसकी खोजबीन करना शुरू कर दिया था कि चीन इस रेडार बेस को कहां पर बना सकता है। लेकिन फिर फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में बता दिया कि ये रेडार बेस कहां पर बन सकता है। दरअसल ये रेडार बेस श्रीलंका के मातारा के जंगलों के आसपास बन सकता है। आप देख सकते हैं कि मातारा श्रीलंका के नीचे की ओर मौजूद है, और अगर चीन यहां पर रेडार बना लेता है तो ब्रिटेन अमेरिका से भी ज्यादा खतरा इससे भारत को हो सकता है, क्योंकि ये रेडार बहुत ही पावरफुल होगा, जिससे चीन भारत के एयर स्पेस, न्यूक्लियर प्लांट, साथ ही हिंद महासागर में भारतीय वायुसेना की एक्टिविटी कहां कहां होती है, इन सभी चीजों का डाटा ये रेडार एक्सेस कर सकता है। साथ ही भारत के जो मिसाइल टेस्ट होंगे, चीन इस पर भी अपना नजर रख सकता है, और टारगेट ना ही सिर्फ भारत है बल्कि टारगेट यहाँ पर अमेरिका का सैन्य बेस भी है, क्योंकि चीन का इरादा है कि अगर कल को चीन ताइवान पर अटैक करता है तब ऐसी स्थिति में अमेरिका अपने सैन्य बेस से ताइवान की मदद के लिए एयर फोर्स ना भेज दे। इसीलिए चीन डिएगो गार्सिया के पास रेडार बना रहा है, ताकि अगर अमेरिका ताइवान की ओर अपनी सेना भेजता है तब चीन को इसका पहले से ही पता चल जाएगा और वो इससे निपटने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये रेडार इन तीनों देशों के लिए इतनी खतरनाक साबित हो रही है, तो ये तीनों देश मिलकर श्रीलंका को मना क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल आज के टाइम में श्रीलंका को पैसे की काफी जरूरत है, जो कि चीन श्रीलंका को देने के लिए राजी है। फिलहाल मैं इस खबर पर नजरें गड़ाए हुए हूँ, अगर आगे कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।